राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
राम राम हरि हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, Thank you for the seva, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Bahut sundar aapne kirtan kiya. Bahut bahut dhanyawad. Hare Krishna. Thank you. Sabhi bhakton ka swagat hai aaj ke is Srimad Bhagavatam katha ke liye. Aur hamare saath jude hain. Aaj jo pravakta hai wo hai apne प्रिय रत्नभूषण गोविंद प्रभु. रत्नभूषण गोविंद प्रभु का परिचय करने के लिए मेरा ये सौभाग्य है और सभी भक्तों के आनंद के लिए उनका परिचय करना चाहूंगा. हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभु परम पूज्य परम प्रिय जयपदा का महाराज जी के शिष्य हैं. वो 2017 में जुड़े इस्कॉन संगठन से और 2019 में उनको दीक्षा हुआ. मैं जानता हूं कि 2017 में हम लोग चार धाम गए थे, तब मैं प्रभु जी को देखा था वहां और प्रभु जी का स्वभाव बहुत सुंदर स्वभाव है उनका. गंभीरता से अपने कृष्ण भावना मंत्र को लेते हैं, कृष्ण भक्ति को लेते हैं. वैसे तो है दक्षिण भारत के, मगर बहुत अच्छी तरह से हिंदी का अभ्यास किए हैं, हिंदी में अच्छा प्रवक्ता करते हैं, अच्छा प्रवचन करते हैं. और मुझे उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि वे हमारे ड्राई डॉग्स के भक्त थे दो, तो उनको थोड़ा परेशानी था घर का और सोच रहे थे कि कहाँ जाए, क्योंकि एक उनका जो साथी रूम का चले जा रहे थे तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएंगे. तब आए रत्नभूषण गोविंद प्रभु, उनको आश्रय दिए अपने घर में और उन्होंने मुझे बताया कि हम आश्रम जा रहे थे. मैंने कहा कौन से आश्रम, तो बोले रत्नभूषण गोविंद प्रभु का आश्रम. तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आप उनका देखभाल करने के लिए और उनको आश्रय देने के लिए अपने घर में, ताकि उनका भी भक्ति का बीज जो है वो बढ़े. साथ उनका जो मुख्य सेवा है इस दामोदर देश में है वो प्रचार का, बहुत अच्छी तरह से प्रचार करते हैं. कुकिंग कुकिंग और गार्लैंड मेकिंग का भी, तो हम चाहते हैं कि कई बार वो कुकिंग करें और हमें भी आमंत्रित करें ताकि हम भी उनका कुकिंग का आनंद लें. हरे कृष्ण. आज हम लोग उनका आनंद श्रीमद् भागवतम की मुखारविंद, उनकी मुखारविंद से सुनेंगे उसका अमृत वाणी. तो आए चलते हैं, प्रभु जी का स्वागत करते हैं. इस ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभु, वो आपका बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम और ओवर टू यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आवाज आ रहे हैं प्रभु जी? यस यस, वॉइस इज देयर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे चीज बता दिया.
मैं तो इतना लायक नहीं हूँ, फिर भी आपका जो महानता होती है, तो आपने इतना बहुत सारे बता दिया, मैं इसके लिए लायक ही नहीं। हरे कृष्णा। जय महाराज, जय राधा माता करके शुरुआत करते हैं। जय राधा माधव कुंच बिहारी, जय राधा माधव कुंच बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यशोदनंदन व्रज जन रंजन, यमुना पीरावन चारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज का प्रातकालीन नित्यम भागवत सेवया में। तो मेरे अंतर इतना शुद्धि, मैं इतने ऐसे अमल पुराण जैसे श्रीमद् भागवत कथा के ऊपर चर्चा या कुछ बोलने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी मेरे को सेवा दे दिया है तो वरिष्ठ भक्तों ने आशीर्वाद भी प्रदान किया है, तो इसलिए वो वरिष्ठ भक्तों का और गुरु श्री राधा कृष्ण का आश्रय लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण और भागवतम ध्यान श्लोका करते हैं पहले। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिते कर्मग्राह गृहीतांकम माम उद्धार भवानुवात्, श्रीमद् भागवताख्योयम् प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भव सागरे, मनोरथो मतीयोऽयं सर्वदा सफल स्वयान्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव, कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौतिकं करतले वेणूकरे कङ्कणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कण्डे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि, अस्ति स्वस्तरणीकराग्र विकत कल्प प्रसूना लुप्तं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाथ हरि निर्वाण निर्व्याकुलम्, स्रस्त स्रस्त निबद्ध निविलसद गोपी सहस्रवितं हस्तन्नस्तन्नतापवर्गम अखिलोधारं किशोराकृते, कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रतासुधं, सचिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं श्रुणुया श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणम्, श्लोकार्थं श्लोकपातं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठेते श्रुणुयातिस्तु बहुसहस्रफलं लभेत्, ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीते च सुकृता, वस्त्रालङ्करणैः पुष्पधूपदीपोपहारभैः वहीकृतो हि अहं तश्च सत्रिया सत्पतिर्यथा, शुकरूप प्रबोधस्य सर्वशास्त्र विशारद एतत्तथा प्रकाशेन मितज्ञानं विनाशय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादस्य यतो अन्वयातितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट्टने ब्रह्महृता याति कवे मुख्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृतामिता विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मल्सराणां सुधां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
किंवा परे ईश्वर सद्यो हृदय वर्तते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्मकमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रव संयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः सुतो वाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वान भावमखिल श्रुतिसारमेकाध्यात्मदीपमदितीर्षणां तमोन्दम् संसारिणां करणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासतूनं गुरुम् उपयामि मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ध्येयमुतीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी शृणुतां सकदा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृद्यन्तस्थो हि अभद्राणि वितनोति सुहृत् सदा। तो हरे कृष्णा, पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम आज की श्लोका की ओर जाते हैं। श्रीमद् भागवतम दसवा स्कंद श्लोक संख्या 46-50। श्लोक संख्या 46। लब्ध्वा जनो दुर्लभम अत्र मानुषम् कथाचित् अव्यंघम् अयत्नतो अंखा अनघा पाधारविन्तं न भजति अशन्मतेर् गृहांतकूपे पतितो यता पशुः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। अनुवाद। उस मनुष्य का उन अशुद्ध होता है जो अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यंत विकसित मनुष्य जीवन के येन केन प्रकारेण स्वतः प्राप्त होने पर भी आपके चरण कमलों की पूजा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अंधे कुएं में गिरे हुए पशु के समान भौतिक दरबार घरवार रूपी अंधकार में गिर जाता है। तात्पर्य, हमारा असली घर तो भगवत धाम है। अपने भौतिक घर में रहने के हमारे दृढ़ संकल्प के बावजूद काल हमें भौतिक कार्यकलाप के मंच से अभद्रता से निकाल बाहर कर देता है। घर पर रहना बुरा नहीं है, नहीं अपने प्रिय जनों के साथ अनुराग बढ़ाना ही बुरा है, किंतु हमें यह समझना चाहिए कि हमारा असली घर शाश्वत है और वह वैकुंठ में ही। अयत्नतः शब्द इंगित करता है कि हमें मनुष्य जीवन स्वतः प्राप्त हुआ है। हमने अपने मनुष्य शरीर को बनाया नहीं, इसलिए मूर्खतावश यह दावा नहीं करना चाहिए कि यह शरीर मेरा है। मनुष्य जीवन तो ईश्वरीय उपहार है और इसका उपयोग ईश भावना मृत की सिद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। जो इसे नहीं समझता वह असन्मति है, अर्थात मंत संसारी बुद्धि वाला है। श्लोक नंबर संख्या 47। ममैषा काल अजित निष्फलो गतो राजश्रीयोन्नद्ध मदस्य भूपतेः मर्त्यात्म भूते दहे सुतधारकोशभूष्व आश जामानस्य धुरंत चिंतया। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद। हे अजित, मैंने पृथ्वी के राजा के रूप में अपने राज तथा वैभव के मद में अधिकाधिक उन्मत्त होकर सारा समय गांव दिया है। मर्त्य शरीर को आत्मा मानते हुए तदा संतानों पत्नियों खजाना तथा भूमि में आसक्त होकर मैंने अनंत चिंता भोगी है। तात्पर्य, पिछले श्लोक में मूल्यवान मनुष्य जीवन को संसारी कार्यों में व्यर्थ ही गावने वालों की निंदा करने के बाद मुचकुंत अब यह स्वीकार करता है कि वह स्वयं इसी श्रेणी में आता है। वह भगवान की संकति का बुद्धिमत्ता के लाभ उठाना चाहता है और सदा सदा के लिए शुद्ध भक्त बन जाना चाहता है। श्लोक संख्या 48। कलेवरेस्मिन् गत कुठ्य सन्निभे
निरोधमानो नरदेव इति अहम् वृतो रत्ते भाष्वपधाति अनीकपयेर् गाम प्रयत्मस् प्रयत्तम् त्वागन गणयम् सुदुर्मदः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अत्यंत गर्वित होकर मैंने अपने को शरीर मान दिया था जो गड़े या दीवाल जैसे भौतिक वस्तु है। अपने को मनुष्यों में देवता समझकर मैंने अपने सारथियों हाथियों अश्वरोहियों पैथल सैनिकों तथा सेनापतियों के घिरकर और अपने प्रवंचित गर्व के कारण आपकी अवमानना करते हुए पृथ्वी का पर्यटन किया। श्लोक संख्या 49। प्रमत्तम उच्चेर इति कृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम त्वम अप्रमत्तः सहसाभिपद्यते क्षुल्लेलिता लेलिहानो अहिर इवाकुम अंतकः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। करणीय के विचारों में लीन अत्यंत लोभी तथा इंद्रिय भोग से प्रसन्न रहने वाले मनुष्य की सदा सतर्क रहने वाले आपसे अचानक मुठभेट होती है, जैसे भूखा सांप चूहे के आगे अपने विषैले दांतों को चाड़ता है, उसी तरह आप उसके समक्ष मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। जैसे भूखा सांप चूहे की आगे अपने विषैले दांतों को चाड़ता है, उसी तरह आप उसके समक्ष मृत्यु के रूप में प्रकट होते हैं। तात्पर्य, हमें यहां पर प्रमत्तम तथा अप्रमत्त शब्दों के अंतर पर ध्यान देना होगा। जो लोग भौतिक जगत का शोषण करना चाहते हैं वे प्रमत्त हैं, ठगे हुए मोहग्रस्त इच्छा से मधांत, किंतु भगवान अप्रमत्त हैं, सतर्क गंभीर तथा मोह रहित। भले ही अपनी प्रमत्तता में हम ईश्वर या उनके नियमों को न माने, किंतु ईश्वर गंभीर हैं और हमें अपने कर्मों के गुणों के अनुसार पुरस्कृत या दंडित करने से नहीं चूकेंगे। श्लोक संख्या 50। पुरारतेर हेम परीक्षितैश्चरम मतम गच्छेर्वा नरदेव संपनितः स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो कृमिभस्म संपनितः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जो शरीर पहले भयानक हाथियों या सोने से सजाए हुए रथों पर सवार होता है और राजा के नाम से जाना जाता है, वही बाद में आपकी अजेय काल शक्ति से मल कृमि या भस्म कहलाता है। तात्पर्य, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य विकसित राष्ट्रों में मृत शरीर स्वच्छ ढंग से प्रसाधनों का लेप करके टिकाने लगा दिए जाते हैं, किंतु संसार के अनेक भागों में वृद्ध रुगण तथा क्षतिग्रस्त लोग एकांत में या उपेक्षित स्थानों में पर जाते हैं, जहां कुत्ते तथा सियार उनके शरीरों को खाकर मल में परिणत कर देते हैं। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि उसके शरीर को भूमि में दफनाया जाता है, तो छोटे छोटे कीटे मकोटे उस शरीर को खा जाते हैं। इसी तरह अनेक पार्थिव शव जलाकर भस्मीभूत कर दिए जाते हैं। हर तरह से मृत्यु निश्चित है और अंततः शरीर का भाग्य कभी यशस्वी नहीं है। यही मुचुकुंद के कथन का वास्तविक तात्पर्य है, अर्थात जो शरीर अभी राजा राजकुमार रूपमती रानी उच्च मध्य वर्ग आदि कहलाता है, वह अंततो गत्वा मल कृमि तथा राख कहलाता है। श्रील श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित वैदिक वाक्य उद्धृत किया है। योन सहस्राणि बहूनि गत्वा
दुखेन लब्ध्वापि च मानुषत्वं सुखावहं येन भजन्ति विष्णुं तवै मनुष्यात्मनि शत्रुभूताः। हसारों योनियों से गुजरते हुए तथा अत्यधिक संकर्ष करते हुए बद्धजीव अंत में मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं, अतः वे मनुष्य जो अब भी उन विष्णु की पूजा नहीं करते जो उन्हें असली सुख प्रदान करने वाले हैं, वे निश्चित रूप से अपने आप को तथा मानवता के शत्रु बने हुए हैं। तो हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नाम्ने। नमाचार्यपादाय ताय कृपाप्रदायिने गौरकदाधामताय निग्रहग्रामतारिणे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों से याचना करता हूँ, आप प्रचुर मात्रा में थोड़ा आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हम ऐसे ग्रंथ राज श्रीमद भागवत के मुचकुंद का सुंदर प्रार्थना है उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं जैसा इसका जो अब दो तीन क्लास से कल का हरिलील हिज ग्रेस हरिलीला प्रभु और उससे पहले हमारे दामोदर देश का यात्रा लीडर श्री वल्लभ प्रभु के मुखारविंद से आपने इतना सुंदर कथा सुनी है, तो कैसा इसका एक छोटा सा संक्षिप्त रूप में बता देता हूं। जैसे भगवान अब जो रणभूमि से भाग जाते हैं और उनको पीछे करते हैं कालयवन, और जैसे भगवान के भक्त मुचकुंद सोए हुए वो गुफा के ओर जाते हैं और उधर भगवान गुफे के अंदर घुसरते हैं और ये कालयवन आके ये मुचकुंद को लात मारते हैं और मुचकुंद उठ जाते हैं और उनकी जो दृष्टि से ही वो उनका भस्म हो जाता है और उसके बाद वे गुफा के अंदर इतना प्रकाश देखते हैं और भगवान से वार्तालाप करते हैं और भगवान पहले मुचकुंद अपने बारे में बता देते हैं और उसके बाद भगवान भी दोनों का परिचय होता है। और भक्त का एक क्वालिटी भी हम इधर देख सकते हैं, जैसे धीरे धीरे मुचकुंद भगवान को समझ लेते हैं और हमेशा भगवान भक्त से छुपा नहीं सकते और मुचकुंद वैसे भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूपेण मानकर भगवान का इधर ग्लोरिफिकेशन करते हैं। और कल हमने एक श्लोका देखा था और उसका कंटिन्यूएशन हम देखते हैं। तो इधर मुचकुंद खुद बता देते हैं, मैं ऐसा एक व्यक्ति था भौतिक इच्छाओं और आसक्ति के कारण मैं फंस गया था और असली जो श्रेष्ठता मतलब भगवान की वो सेवा करना वो मैं भी कर नहीं कर पाया और मैं भी इतना घमंड पे था और उसमें से भगवान की कृपा से जैसे देवी देवताओं ने भी उन पर कृपा बरसाई दी और वे बेसिकली मुक्ति चाहते थे पर देवी देवता वो प्रदान करने में सक्षम नहीं थे, तो इसलिए वो उनको दूसरा वरदान पूछने के लिए बताते हैं और वो बहुत धके दे और वो सोने के लिए वरदान मांगते हैं और उसी समय देवी देवताओं का भी इच्छा था जैसे उनका भगवान का दर्शन प्राप्त हुए और उनका उद्धार हो जाए। तो हम देख सकते हैं जैसे एक भक्त का प्रयास मतलब बेसिकली उनका जो एक्सप्रेशन डिवोशनल एक्सप्रेशन ही होता है और दूसरी एक चीज है उनका वो स्पिरिचुअल सेंटिमेंट या ऐसे भी बता सकते हैं ये भक्त का डीप रियलाइजेशन। इसलिए हमेशा हमको आचार्य गण या हमारे शिक्षा गुरु स्पेशली ग्रेस परमेश्वर गौर प्रभु बताते हैं जब भी हम भगवान की दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम ऐसे शुद्ध भक्तों के श्रीमद् भागवत में भी आप देखा जाएगा तो पहला स्तुति श्रीमती कुंती महारानी से ही शुरू होती है और उसके बाद भीष्म पितामह
ध्रुव महाराज, प्रतु महाराज, प्रहलाद महाराज, ऐसे बहुत सारे ये दसवें अध्याय में भी हमने दो तीन स्तुति हमने देखी थी। जैसे देवी देवताओं कैसे भगवान की स्तुति करते हैं, गोपियां सब, और लास्ट अभी हम मुचुकुंद का स्तुति में है। तो मुचुकुंद भी इतना श्रेष्ठता से, इतना भव्य वाणी से भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो और इधर पहले बताया मुचुकुंद भी डिसायर था, उनकी भी इच्छा, और हमको भी भगवान से क्या प्रार्थना करना है। और ये चार पांच श्लोक से हमको एक अच्छा शिक्षा भी मिलती है। भगवान से हम कभी भी भौतिक इच्छा मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बता देते हैं, ये था माम प्रबद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम। जैसे एक व्यक्ति भगवान की ओर जाते हैं और उनकी इच्छा भौतिक इच्छा है, तो भगवान इतना संतुष्ट होकर वो उसको प्रदान करते हैं। और वैसे नहीं, भक्ति में आगे आना, भगवान की सेवा के लिए आगे आना है, तो उसी तरह भगवान परीक्षा भी लेते हैं और उनको वो आगे बढ़ने का वो सहायता भी करते हैं भगवान। हम इसलिए बोलते हैं ना, एक पैर आगे रखेगा तो भगवान हमको 100 times सहायता करते हैं। तो और क्या प्रेयर करना चाहिए हमको बेसिकली, तो हम मध्व ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। तो और हमको चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के द्वारा बहुत अच्छा, हमको 8 श्लोक के द्वारा पूरा श्रीमद् भागवत या सारे ग्रंथों का जो सार हमको ये 8 श्लोकों में से दिया है। तो उसमें 4th श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें क्या बताते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तुकी त्वयि। हे सर्व शक्तिमान प्रभु, मुझमें न तो धन संचित करने की इच्छा है, न मैं सुंदर स्त्रियां चाहता हूँ, न मुझे अनेक अनुयायियों की कामना है, मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति का ही इच्छुक हूँ। तो इधर भी हम देख सकते हैं मुचुकुंद भी वही प्रार्थना करते हैं, मेरे को ऐसा इच्छा दी पहले, पर अभी आपका जो दर्शन हुआ गया और आपकी वो कृपा के कारण मेरा वो जो अंदर का सारा कलमश दूर हो गया, मैं अभी आपकी वो निरंतर सेवा करना इच्छुक हूँ, ऐसे प्रेयर करते हैं। और हम भौतिक दृष्टि जनरली देखा जाएगा तो ये प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जीवन बेसिकली 4 पुरुषार्थ के ऊपर है नॉर्मली देखा जाएगा तो। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब हम जैसे मानव जीवन का शुरुआत पायस एक्टिविटीज करने से, जैसे वो पाप से मुक्त होकर हम वो पायस एक्टिविटीज करना शुरू होते हैं, तो उधर से हमको क्या मिलता है, अर्थ। अर्थ माने लक्ष्मी, तो लक्ष्मी मिलते हैं तो हम ये सारे कार्यकलाप क्यों करते हैं। बेसिकली देखा जाएगा तो हमारा जो जो भी कामनाएं उसकी पूर्ति करने के लिए, तो इसलिए धर्म, अर्थ, काम। तो काम में सारा जो हम संपत्ति इकट्ठा करते हैं और जो गृहस्थ आश्रम में पत्नी बच्चे सब कुछ पैदा करते हैं और भोग सब कुछ करते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि मतलब हमको वो पूरा इतना ही है जीवन, ऐसा वो सुख भोग करने का वो समझ में आ जाते हैं, और भक्त का संगति से हम उसमें से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसी समय हम मोक्ष के बारे में सोचते हैं। तो बेसिकली देखा जाएगा तो ये इसको 4 धर्म कहला जाते हैं, या 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो चैतन्य महाप्रभु हमको आके जो श्रेष्ठ क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उससे भी परे एक धर्म है, उसके बारे में हमको शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु खुद आए थे।
कल श्री अद्वैताचार्य का आविर्भाव दिवस था, तो उन्होंने उनको उनकी जो अंदर की प्रेरणा से जैसे भगवान को इधर धरती पर अवतरित करवाए, तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में एक सुंदर श्लोका आता है, श्रीमद् भागवतम 1206, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अत्योक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो बहुत सुंदर श्लोका है, उसमें क्या कहते हैं, हमारा जो जीवन का लक्ष्य मतलब भगवान की सेवा करना है, वो सेवा भी कैसे, अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की मतलब हमारे अंदर कुछ भी इच्छा नहीं रहना चाहिए, भौतिक इच्छा जो भी नहीं रहना चाहिए, अहेतु की होना चाहिए। और कैसे अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब जो भी परिस्थिति में वो भगवान का जो प्रेम या हम जो सेवा करना कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भी बोलते क्या क्या कहते हैं, 24 घंटे हम कैसे केन केन प्रकार है ना भगवान का जो हरिनाम जप करना चाहिए, और भगवान का दिव्य लीला, दिव्य गुण, दिव्य रूप और दिव्य अर्चा विग्रह की सेवा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमको ऐसा एक शिक्षा दिया है, मिनिमम 16 राउंड ऑफ चैंटिंग और उसके बाद सेवा। तो ये सेवा करने से हम धीरे धीरे वो भगवान का वो शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तब चैतन्य तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये सारे चार धर्म को छोड़ने के लिए बताते हैं। और चैतन्य महाप्रभु खुद क्यों आए, भगवान का वो शुद्ध प्रेम देने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु रेकमेंड करते हैं ये कृष्ण प्रेम। और हम पहले बताया, मैंने पहले बताया जैसे मुक्ति, नॉर्मली देखा जाएगा तो मुक्ति मतलब सबसे श्रेष्ठ ऐसा कहला जाता है। और मुक्ति स्पेशली सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान का जो एफल्जेंस उसमें लीन होगा, लीन होना। तो उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ठाकुर बताते हैं ये तो सबसे बड़ा मूर्खता है या सबसे बड़ी सुइसाइड जैसा है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी नहीं है, ये भौतिक जगत में भी नहीं है, फंसा हुआ वैसा एक स्टेज है भगवान का जो एफल्जेंस सायुज्य मुक्ति में लीन हो, वापस हमको इधर आना पड़ेगा और दोबारा भगवान की भक्तिमय सेवा करने से ही हम वो शाश्वत, क्यों मतलब हमारा जो शाश्वत नहीं है, जैसे भगवान सच्चिदानंद है पूर्णतया, तो हमारा भी वो गुण अंश मतलब सच्चिदानंद स्वरूप ही है, तो उधर ही हम भगवान से सेवा कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं और असली आनंद का लाभ उठा सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु एक सुंदर एक श्लोका है, तो उसमें क्या बता देते हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासन व्रज वधु वर्गेन वा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम प्रेम पुमो अर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिथम तत्राधर न परहा। तो हमको प्रमाण किधर से मिलता है, श्रीमद् भागवतम से प्रमाण मिलता है। तो प्रमाण हमने देखा था क्या, भगवान का जो प्रेम पाना। तो कैसे, दूसरा एक श्लोक में बता देते हैं, श्रीमद् भागवतम 2:3:10 अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो उसमें क्या कहता है अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा, चाहे कोई सब चाहता हो या कुछ न चाहता हो, अथवा भगवान से तादात्म्य चाहता हो, वह तभी बुद्धिमान होता है जब वह प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करता है। तो कितना श्रेष्ठता है, तो इधर मुचुकुंद भी यही बताते हैं, जो श्रेष्ठता मतलब भगवान की जो प्रेमा भक्ति करते हैं वही है हमारा जीवन का
सबसे श्रेष्ठ या हमारा जो जीवन का अंतिम या इतना उत्कृष्ट पद मतलब भगवान की जो सेवा करनी है। तो हम भक्ति भी, हम भी वो साधना भक्ति कर रहे हैं। तो मैं अपना ही स्तर पर बता रहा हूँ, तो आप सब बहुत इधर वरिष्ठ भक्त हैं, तो आप सभी इतना अच्छी तरह भगवान की भक्ति करते हैं, तो मेरे अंतर भी इतना डिसायर सब कुछ होता है। तो भक्ति दो प्रकार की होती है, भक्ति विथ डिसायर, तो उसको बोलते हैं मिश्र भक्ति, और दूसरा है असली भक्ति मतलब विदाउट डिसायर, उसको शुद्ध भक्ति बता देते हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस। हमने देखा था अहेतु की अप्रतिहता। तो इसमें सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अतो क्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो अहेतु की भक्ति हम कब कर सकते हैं? तो हम हमारा जो भक्ति साधना भक्ति करते करते हमारा स्तर वो निष्ठा के स्तर पर पहुंचते समय, जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा आती है, वो निष्ठा के स्तर पर हम अहेतु की भक्ति कर सकते हैं। तो अहेतु की अप्रतिहता वो भक्ति हम वही स्तर पर कर सकते हैं, और उसके बाद वो अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब विदाउट डिविएशन, या एक भी दूसरा कोई भी परिस्थिति में हम रुचि के स्तर पर, वो दूसरा आ जाता है निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद हम आसक्ति, आसक्ति के बाद रुचि भाव आसक्ति और भगवान का जो प्रेम। तो उसके लिए भी शिक्षाष्टकम का तीसरा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानधेन कीर्तनीय सदा हरि। तो हम मान का भी इच्छा नहीं रहना चाहिए, तो हमको हमेशा दूसरों को सम्मान देना चाहिए। त्रिनादपि सुनीचेन, तो वो हम्बलनेस आते समय ही हम यो स्तर पर भगवान की सेवा कर सकते हैं। और चैतन्य चरितामृत में खुद चैतन्य महाप्रभु बताते हैं वो शुद्ध प्रेम का बारे में, या कोई भक्ति करते हुए कुछ भौतिक इच्छा मन में रहते हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देते हैं। देखेंगे हम कैसे हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला सेकंड 22 चैप्टर 37 38 39 श्लोक, तो उसमें बताते हैं अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन न मागीतेह कृष्ण तारे देन स्वचरण। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जो लोग भौतिक सुख चाहते हैं या परब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, यदि वे भगवान की प्रेम भक्ति में अपने को लगाते हैं तो उन्हें तुरंत कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो जाती है, भले ही वे इसकी याचना न करें, अतः कृष्ण अत्यंत दयामय है। और अगला श्लोक में बताते हैं, कृष्ण कहे अमा भजे मागे विषय सुख अमृत छाटी विष मागे एई बड़ा मूर्ख। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा, कृष्ण कहते हैं यदि कहीं कोई मेरा मेरी प्रेमा भक्ति में लगा रहकर भौतिक भोग का ऐश्वर्य चाहता है तो वह महामूर्ख है, निसंदेह वह उस व्यक्ति के समान है जो अमृत छोड़कर विष पीता है। कितना सुंदर है। दूसरा अगला बताते हैं, आमी विज्ञा यही मूर्खे विषय केने दिब स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई दे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा, चूंकि मैं अत्यंत बुद्धिमान हूं अतः मैं इस मूर्ख को भौतिक संपन्नता क्यों दूं, इसके बदले मैं इसे अपने चरण कमलों की शरण का अमृत लेने के लिए प्रेरित करूंगा और उसे भ्रामक भौतिक भोग बुलावा दूंगा। कितना सुंदर है। तो इसलिए हम
चैतन्य महाप्रभु को इतना कृपालु या इतना दयालु बता देते हैं, कृपा करने में श्रेष्ठ, क्योंकि हम ये कलयुग में जी रहे हैं तो हम बहुत कलमश से जी रहे हैं, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी तो हमको इतना कृपा बरसाने के लिए भक्त के रूप में श्रीमती राधा रानी का वो भाव में धरती पे अवतरित हुए और वो प्रेम बांटते हैं, वो कुछ ही विवेक नहीं रहते, कोई कोई भी आश्रय लेते हैं तो सबको भगवान का जो शुद्ध प्रेम देते हैं। भगवान हमने देखा भगवान है तो ये धामां प्रबध्यन्ते तां सदैव भजामि हम, पर इधर चैतन्य महाप्रभु क्या बता देते हैं, वो उसको मैं मेरी वो चरणामृत देकर उनकी जो भौतिक इच्छा मांगने की वो विषय आसक्ति उनको हटा देता हूँ हृदय से, वो हटाएगा तो फिर हम फ्री हो गए हैं और इसलिए हम भगवान की जो प्रेम पा सकते हैं। और जैसे भगवत गीता भी एंड में क्या बता देते हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। और श्रीमद् भागवतम का भी शुरुआत जैसे भगवद्गीता में सारे धर्म को त्याग करने के लिए बता देते हैं और मेरे आश्रय लो, जैसे भगवान ने बहुत सारे शिक्षाएं सब कुछ दी पर कोई भी पालन नहीं करते, और इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके खुद उन्होंने हमको दिखलाया कैसे भक्ति करनी चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए। और श्रीमद् भागवतम का भी शुरुआत ऐसा ही होता है, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मल सराणाम सधाम वेद्यम वास्त्रवम अत्र वस्तु शिवतम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामिकृते किंवापरे ईश्वरः सद्यो हृदय वरुद्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो सारे धर्म को त्याग करके कैतव धर्म वो मोक्ष पाना की इच्छा सबसे श्रेष्ठ उसको भी त्याग करने के लिए बता देते हैं, वो पूरा चीटिंग धर्म है कैतव, और असली धर्म इधर चैतन्य महाप्रभु ने हमको बता दिया भगवान की सेवा करना, वो सेवा करने से हम भगवान का जो शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ये सारे शिक्षा हमको दे दिया और उसी तरह उन्होंने अपने जो लीला से हमको अच्छा अच्छी एग्जाम्पल भी दिखलाया है कैसे कैसा ये भगवान की शुद्ध सेवा करने से और एक एक भक्त के लीलाओं के भगवान चैतन्य महाप्रभु और भक्त की लीला के द्वारा क्या मांगना चाहिए वो भी हमको शिक्षा मिलती है। एक दो तीन दृष्टांत या चैतन्य चरितामृत का कथा में बोलने का प्रयास करूंगा। पहला आता है श्रीवास ठाकुर का एक सुंदर कथा आती है, जैसे श्रीवास ठाकुर श्रीवास आंगन में भगवान का जो दिव्य कीर्तन जैसे उसको रास स्थली भी बताया जाता है, जैसे भगवान कृष्ण के अवतार में वृंदावन में जैसे गोपियों के साथ श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ वो रास होती थी तो उसी तरह इधर भी रास होता था, कैसे कौन से रास, भगवान का शुद्ध नाम का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम का रास होता था। तो श्रीवास आंगन में दिन में नगर संकीर्तन होता था और रात में जैसे भगवान और उनके पार्षद मिलकर इतना भाव में भगवान का हरि कीर्तन करते थे तो सब में इतना आनंद आता था भाव सब में। तो एक दिन ऐसा हो गया, ऐसा कीर्तन करते करते श्रीवास ठाकुर ने रोते हुए शब्द सुन लिया, तो इन्होंने ये जिधर से आ रहे हैं तो ढूंढने के लिए निकले तो उनको मालूम हो गया घर के अंदर से आ रहे हैं, तो जाके देखते हैं तो उनको ऐसा एक दृश्य देखना होगा, एक दौर्भाग्य दृश्य है, तो उनका जो बेटा मर गया है और उनकी जो पत्नी और सारी जो स्त्रियां उधर बैठकर रो रही हैं। तो उधर श्रीवास ठाकुर बता देते हैं ठीक है मेरा बेटा तो मर गया पर आप ऐसे रोएंगे तो
उधर जो चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन में बाधा आएगी, तो आपको अभी ये बंद करना चाहिए रोना, नहीं तो क्या करेंगे वे बताते हैं। अभी आपका जो पुत्र मर गया है सही है, तो आप रोना बंद नहीं करेगा तो मैं गंगा में जाके खुद देह त्याग करूंगा, ऐसा बताते हैं। तो ये सुनकर सभी रोना आवाज कम कर देते हैं। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आ जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु बहन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? उनका जो बेटा मर गया फिर भी वो हरिनाम रुका नहीं, हरिनाम करने में इतना उत्सुक है। वही है अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध, या वो कोई भी परिस्थिति में वो अनफ्लिंचिंग डिवोशनल सर्विस। तो चैतन्य महाप्रभु इतना प्रसन्न होकर वो उनसे बताते हैं सही है, आप तो गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं ना, आपको थोड़ा लक्ष्मी इकट्ठा करना पड़ेगा और उनकी देखभाल भी करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा कुछ ना कुछ मेरे से मांगिए, मैं देने का मूड में। तो उसी समय श्रीवास ठाकुर क्या करते हैं, 3 बार ऐसे थाली बजा देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को समझ में नहीं आ गया, चैतन्य महाप्रभु बजाते हैं आपने ये 3 बार ऐसा थाली बजाया मेरे को समझ में नहीं आया, बता दीजिए। तो कृष्ण भक्त बहुत चतुर होते हैं, जैसे भगवान उसी तरह उनके भक्त भी। तो वो बता देते हैं मैं एक दिन कुछ नहीं मिलेगा तो मैं उसको सहन करूंगा, कोई बात नहीं। दूसरा पहले थाली का अर्थ यही है, दूसरा वो थाली का अर्थ मतलब दूसरे दिन भी मैं खुद कुछ खा के बिना रहूंगा, कोई बात नहीं। तीसरा दिन मैं कुछ नहीं मिला तो खुद जाके मैं गंगा में जाके मैं मर जाऊंगा, ऐसा बता देते हैं। तो ये सुनते सुनते चैतन्य महाप्रभु इतना प्रसन्न हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं चैतन्य महाप्रभु, उधर बता देते हैं ऐसा एक दिन आता होगा जैसे लक्ष्मी जी भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा मांगने के लिए निकलती होगी, फिर भी आपके घर में कभी भी अन्न वस्त्र का कमी नहीं होगी, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल है कोलेवचर श्रीधर का, कोलेवचर श्रीधर का बहुत सुंदर कदा है। उसमें आप सब बहुत बार उसके स्टोरी सुनी होगी। तो कुलवेच श्रीधर भी वो चैतन्य लीला में उनका जो बिजनेस था, जो केले का जो भी चीज पत्ता या केले का जो पेड़ का जो भी चीज उसकी उसका बिजनेस था उनको। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्यों से बता देते हैं कोलेवेच श्रीधर को बुला के लेके आने के लिए। तो कोई भी नहीं जानते थे कोलेवेच श्रीधर को, तो मतलब इतना फेमस नहीं थे। तो जैसे हम भौतिक जगत में सभी हमको जानते होंगे पर भगवान हमारी ओर दृष्टि नहीं डालते या भगवान जानते नहीं है तो हमारा कुछ वैल्यू ही नहीं है, जीरो है। पर भगवान हमको जानते हैं और भौतिक जगत में एक ही व्यक्ति नहीं जानते है तो भी वे ही सर्वश्रेष्ठ है। तो कुलवेचर ऐसा एक भक्त था, वे हमेशा भगवान का हरिनाम करते थे और उनको सेवा मतलब वो बिजनेस में उनको कितना भी लक्ष्मी मिलती थी लाभ में उसका 50% वो गंगा मैया की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते थे। तो और वे भक्त ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया हम कैसे समझ पाएंगे कोलेवेच श्रीधर को। तो और चैतन्य महाप्रभु बता देते हैं आप जाइए आपको इतना आनंद प्राप्त होगा वो शुद्ध कीर्तन सुनते सुनते और आपको मालूम होगा वही है कोलेवेच श्रीधर। और वे कोलेवेच श्रीधर के उधर पहुंच जाते हैं और उनको बता देते हैं आपको चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं। तो इतना हर्षोल्लित हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु ने मेरे को बुलाया करके। तो और अच्छी लीला भी है चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनके वो स्ट्रीट में भी होता था उनका जो व्यापार उतर जाके बार्गेन करते थे। तो जो भी लक्ष्मी है तो उससे भी कम करके ही मांगते थे चीज। और ऐसे कहा जाता है ये
मायापुर में उधर उस समय सभी घर पे इतना केवी का खेती होती थी, तो कितना डिमांड होता था आप ही समझ सकते हैं कितना डिमांड होता था। और फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनसे बार्गेन करते थे, उसमें आनंद लेते थे। तौर कुलवे शिखर जाते हैं, तौर वो उनका जो घर का वर्णन भी करते हैं चैतन्य महाप्रभु, आप कुछ ना कुछ मांगिए मेरे से, क्योंकि आपके घर में छोटा सा कुटिल था और बारिश गिरते समय बहुत सारे छेद थे उनके जो फ्लो उसमें क्या छत पे, हाँ छत पे, तो उधर से पानी इतना निकलती थी और आप एक अच्छा घर बनाइए ऐसा उनको बता देते हैं। तो उधर कोलावेचा श्रीधर बता दे हैं मेरे को कम से कम एक घर है, कितने लोगों को एक घर भी नहीं है, तो मैं इतने इसमें बहुत संतुष्ट हूँ। और उनका जो वस्त्र भी उसमें भी बहुत सारे छेद थे, और वे भी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं आप अच्छे अच्छे ड्रेस खरीद कर पहनो। तो उधर भी कुलवेच श्रीधर बता देते हैं मेरे को एटलीस्ट ये भी पहनने के लिए है, ये भी नहीं वाले कितना है ये दुनिया में जी रहे, तो मैं इसमें बहुत संतुष्ट हूँ, तो ऐसा बता देते हैं। ये भी सुनकर चैतन्य महाप्रभु इतना प्रसन्न हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु बता देते हैं नहीं नहीं आपको कुछ ना कुछ मेरे से वरदान मांगना ही चाहिए, मैं अभी कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। तो उसी समय कुलवेच श्रीधर प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु से, आपको मेरी भी मेरे में कुछ देने का इच्छा है तो जो निमाय है ना, निमाय मेरे जो व्यापार स्थल पे आके रोज वो बार्गेन करता था, वही वो लीला हर समय मेरे दिन दिन पे वो करना जैसा वो लीला आप मेरे को प्रदान कीजिए, ऐसा बता देते हैं। और दूसरा एक सुंदर उदाहरण है जैसे हरिदास ठाकुर का, तो हरिदास ठाकुर भी जैसे भगवान का जो शुद्ध भक्त थे, और वे ब्रह्मांड का नायक या जैसे सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा का स्तर ग्रहण करते थे, और चैतन्य लीला में हरिदास ठाकुर का रोल प्ले कर रहे हैं। और एक उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, मैं जल्दी बताता हूँ क्योंकि टाइम भी ऑलरेडी 7:50 हो गया। और वे इतना हरिनाम करके 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 चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य का श्रेष्ठ पद प्राप्त दिया, और इतना सुंदर कीर्तन करते थे हरे कृष्ण महामंत्र का। और एक बार ऐसा हो गया जो चांदी उनको पकड़ के लेके आते हैं और उनके बता देते हैं आपका जन्म मुस्लिम परिवार में हो गया है और आप ये क्यों हरिनाम जप कर रहे हैं, तो आपको आज से हरिनाम जप करना छोड़ना पड़ेगा। तो हरिदास ठाकुर बता देते हैं आप मेरे को दंड या कुछ भी दंड प्रदान कीजिए पर मैं हरिनाम एक क्षण भी छोड़ नहीं सकता हूँ। और क्या करते हैं चांदी उनको शिक्षा देते हैं, क्योंकि वो उनके अनुयायी से बता देते हैं इनको 22 बाजार में लेके जाके बेत से उनको पीड़ा दे दीजिए, मार डालिए, ऐसा बता देते हैं। और हिस्ट्री में ऐसा बताते हैं मैक्सिमम 2 बाजार तक की पीड़ा के बाद वे व्यक्ति मर जाता है, नहीं तो अपने आप वो उनको बता देते हैं मैं आपने जो बोला वो करने के लिए तैयार, पर इनको 22 बाजार में ऐसा पीड़ा दे दिया। और चैतन्य महाप्रभु उनके जो लीला में बता देते हैं मैंने तुरंत उसी समय सुदर्शन को भेजा था, सुदर्शन चक्र को, पर सुदर्शन चक्र तुरंत वापस आ गया। और चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र से पूछ देते हैं अपने सेवक से मैंने आपको वो भक्त की सेवा करने के लिए उनकी रक्षा प्रदान करने के लिए भेजा था, आप इतना जल्दी कैसे तुरंत आ गए। और उसी समय सुदर्शन चक्र बता देते हैं मैं रक्षा प्रदान करने के लिए हरिदास ठाकुर के उधर गया था, पर आप ही बताते हैं आपसे भी बढ़कर है भक्त,
और भक्त ने मेरे को जो व्यक्ति उनको पीड़ा देते थे उनको मारने या सुदर्शन चक्र को मारने से इनकार किया, तिरस्कार किया और उनको वापस अपने धाम में जाने के लिए बता दिया। तो सुदर्शन चक्र आके इधर प्रार्थना करते हैं, भक्त ने बताया और आपका भी वचन है, आपसे भी बढ़कर हैं आपके भक्त, तो उनकी आपकी वो वाणी को सत्य करने के लिए मैं वापस आ गया। और क्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु, उनका जो ब्रह्मास्त्र था सुदर्शन चक्र वे भी असफल रहे और वे खुद जाके हरिदास ठाकुर का पीठ में लगा देते हैं और वो सारी पीड़ा वे ले लेते हैं और वो दिखाते भी हैं चैतन्य हरिदास ठाकुर को उनकी जो बैग, तो उसमें देखा जाए तो इतना लाल लाल रंग था, वो जो भी वो पीड़ा वो बेद से प्रदान किया था वो सब चैतन्य महाप्रभु ने ही अपनाया। और उधर इतना प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु भी हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, आप कुछ वरदान मांगिए। तो उसी समय हरिदास ठाकुर भी प्रार्थना करते हैं, जन्म जन्मांतर मेरा जन्म जीवन आप मेरे को और जीवन दो, कोई बात नहीं है जन्म प्रदान कर दो, पर वैष्णव ग्रह में होना चाहिए, वैष्णव परिवार में। वैष्णव परिवार में जन्म लिया तो क्या होगा, एटलीस्ट वो वैष्णव का संग मिलेगा और उधर का प्रसाद भी मिलेगा और मैं हमेशा आपकी याद करते रहूंगा, ऐसे आप मेरे को वरदान दे, ऐसे भिक्षा याचना करते हैं। और ये भौतिक आसक्ति उसके ऊपर भी इधर मुचुकुंद अच्छा बता देते हैं, और हमको भौतिक आसक्ति भी नहीं रहना चाहिए। तब बंगाली में एक अच्छा कहावत है, दूध काबे तमाको खाबो, दूध काबो तमाको खाबो, ऐसे मलयालम में भी एक सुंदर कहावत है, कईल इरिक्कुगयुम वेणम, सॉरी कक्षत्तिल इरिक्कुगयुम वेणम कईल पोक्कुगयुम वेणम, मतलब हमारा जो हाथ ऊपर करना भी चाहे जो कक्ष में रखा है ना वो नहीं गिरना भी नहीं चाहिए, वो दोनों संभव नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमेशा बता देते हैं हमारी वो भक्ति में हमको भौतिक इच्छा डिसायर्स नहीं रखना चाहिए, एक ही होता है भौतिक इच्छा या डिवोशनल सर्विस। तो हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, श्रीमद् भागवत में भी क्या बताते हैं, अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामो उदाहरति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, जो भी है तो भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। और एक बार हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी भी इतना महान भागवत है, कोई भी आसक्ति नहीं है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचते न कामचते, कोई भी परिस्थिति में वो हमेशा आनंद है, जैसे आत्मा रामश्च मुनयो उसी तरह है। और एक सुंदर शॉर्ट एक स्टोरी बता के मैं आज का क्लास को विराम देता हूँ। तो उधर एक बार अमेरिका में लुम्बोसिन कार पे ट्रैवल कर रहे थे, तो एक पत्र प्रवर्तक ने वो दृश्य देखा और वो इंडिया के थे और उनको आश्चर्य लगा, साधु मतलब तो सरल जीवन बिताना चाहिए, तो ये सबसे धनी व्यक्ति यूज करने वाले कार में ट्रैवल कर रहे हैं। तो और उनसे प्रश्न किया श्रील प्रभुपाद जी से, तो श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, आपने सही बोला, सही है, क्योंकि मैं गुरु मतलब भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, तो भगवान तो लक्ष्मीपति हैं और मैं किधर का गुरु हूं। हम ये लोक पे देखा जाएगा तो भौतिक जगत में सबसे धनिक राज्य कहलाता है अमेरिका, मैं अमेरिका का गुरु हूं, और देखा जाएगा तो मेरे शिष्यों को ऐसी गाड़ी देनी चाहिए थी जो सोने का बनाया हुआ था, पर क्या करें मेरे भक्त शिष्यों के पास इतना लक्ष्मी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने लुम्बोसिन कार ही भेजा है, तो इसलिए मैं इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ऐसे इतना चतुराई से उसको बता दिया, तो वही है श्रील प्रभुपाद जी। और
इधर एक सुंदर वर्णन भी किया था, जैसे हमारा भी जीवन ऐसा ही है। सर्प, ये मेंढक जब सर्प के मुख के अंदर है, उनका आधा भाग सर्प के मुख के अंदर है, तो जैसे एक चीड़ा या कुछ भी आते हैं, तो चीटी कुछ आते हैं, तो मेंढक क्या करते हैं, उसको खाने के लिए उनका जिह्वा को बाहर डाल देते हैं। तो उसी तरह है हमारा जीवन भी, मृत्यु कब भी आ सकते हैं, वो हमारे पास नहीं है। तो काल रूपे ना, भगवान बोलते हैं ना, मृत्युश्च हर सर्वस्य हर जाहि, भगवान बता देते हैं। तो कभी भी मृत्यु आ सकते हैं, हमको मालूम नहीं है, हमारे हाथ में नहीं, तो हमको भी वैसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो जीवन दुर्लभ सुदुर्लभ जीवन मानव जन्म हमको मिला है, तो पहला उसमें तात्पर्य में भी बता देते हैं, वो भगवान की कृपा से ही मिला है हमको। तो भगवान की कृपा से हमको इतना सुंदर मानव जीवन मिला है। तो मानव जीवन का श्रेष्ठता मतलब हम भक्ति करके, भगवान की सेवा करके, भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने का असुलभ चांस मौका हमको मिलते हैं। जैसे हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में जुड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु से आकर षट गोस्वामियां और श्रीला प्रभुपाद जी और हमारे जो वरिष्ठ सन्यासी वृंदों के, तो उनके शिक्षाओं के द्वारा हम चैतन्य महाप्रभु इतना कृपा बरसाते हैं, वो विवेच नहीं रहते, तो सबको कृपा बांटते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य या श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा, अपनी गुरु महाराजों की कृपा से हम भक्तिमयी सेवा करके उनकी जो शिक्षाओं के द्वारा, जैसे वैष्णवों की, हमारे जो वरिष्ठ भक्तों की शिक्षा, गुरुओं की शिक्षाओं के द्वारा सब मिलकर, जैसे कैसे एसोसिएशन से, भक्त संघ से, हम भी वो भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना करते हुए मैं आज का क्लास को विराम देता हूँ। कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा करना, कुछ न पॉइंट्स अच्छा लगा है तो गुरु जनों की और वरिष्ठ भक्तों की कृपा है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू रत्नभूषण गोविंद प्रभु फॉर वंडरफुल वंडरफुल क्लास प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा। प्रभुपाद की जय। आपने पूरे क्लास में प्रार्थनाओं के ऊपर आपने आपने बल दिया है, और किस तरह से हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए। आपने शुरू में ही कहा कि जैसे परमेश्वर गौर प्रभु ने कहा कि हम लोग जब जाते हैं विग्रहों के सामने, तभी जो भक्तगण हैं, जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, उनके द्वारा हम लोग को इस तरह से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। और ऐसी सुंदर प्रार्थनाओं के द्वारा आपने चैतन्य चरितामृत में से कुलवेचर श्रीधर श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर के द्वारा उनकी प्रार्थनाओं के बारे में बताया, उनकी अलग अलग जो परिस्थिति है, किसी के जैसे श्रीवास ठाकुर के घर में मृत्यु हुई, मगर कोई भी परिस्थिति में हरिनाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुलवेचर श्रीधर का आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि कोई भी कैसे भी हम लोग का जीवन रहें, उससे हम लोग को संतुष्ट होना चाहिए। और हरिदास ठाकुर के द्वारा आपने जिस तरह से हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना की वो हमेशा भगवान को स्मरण करे, याद करे, तो इसी तरह से आपने बहुत सुंदर कथा कही है कि कैसे हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। तो अभी थोड़ा समय बचा है प्रभु, तो हम लोग सवाल लेते हैं भक्तों का। तो जिन भक्तों को प्रश्न पूछने चाहिए, कृपया करके अपने हाथ ऊपर करें या अपने माइक को अनम्यूट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, मैं प्रयास करूंगा और आपकी सहायता से। हरे कृष्ण, थैंक यू। Yes, devotees who have questions, please raise your hands or unmute yourself. Ask this question. काफी messages हैं प्रभु आपकी क्लास के बारे में, very nice. पहले तो कीर्तन बहुत सुंदर हुआ था माता जी के द्वारा, और फिर बिजु मोहन प्रभु बता रहे वेरी नाइस क्लास। विजय गौर प्रभु जो हमारे गौर जो सोनापुर से हैं, वेरी नाइस क्लास। श्री प्रभुपाद की जय। प्रदीप जसवानी, वंडरफुल क्लास। इस्कॉन विशु सूरत से भी है, वंडरफुल क्लास। आई थिंक दैट्स अभिषेक प्रभु से। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, वंडरफुल क्लास। जय जय आदित्य। हरे कृष्ण,
was indeed really wonderful class. So any questions? We have a few minutes. Prabhu, aapne aap Kerala se ho, aapne shlok ke yes, please go ahead. Yeah. हरे कृष्ण प्रभु जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास था। भागवतम और चैतन्य चरितमृत का बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया प्रभु जी ने जोड़ के लिया दोनों का क्लास। बहुत ही सुंदर क्लास था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु, आप दक्षिण भारत से हो मगर आप हिंदी बहुत अच्छी तरह से आप बोलते हो। भक्तों की कृपा है प्रभु। हरे, ये सब दामोदर देश ये दामोदर से आने के बाद ही सब भक्तों की कृपा है। मेरे में इतना कुछ क्षमता नहीं है। जैसे प्रभु हिस्क्रेस तुलसी गोविंद प्रभु श्री वल्लभ प्रभु और आप सभी भक्त हिस्क्रेस परमानंद कृष्ण प्रभु हिस्क्रेस जगजीवन कृपा से। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद ப்ரோ சார். நீங்க சொன்னீங்க ஒரு ஒரு நம்மள ஒரு லைன் பிரவச்சனல நம்ம பௌதிகி இல்ல உள்ள இச்சா வந்து கட்டாயம்னு சொன்னீங்க. ஒரு அது கொஞ்சம் ரிபீட் பண்ண முடியுங்களா ப்ளீஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பௌதிக இச்சா छोड़ना क्यों चाहिए वही प्रश्न है ना आपका? ना பௌதிக இச்சா छोड़ना எஸ் பிரபு. அது आप बोला था हमने बोल थोड़ा से पॉइंट बराबर पकड़ा नहीं तो प्लीज रिपीट काइंडली रिक्वेस्ट यू प्लीज सर। हाँ, तो हम नॉर्मली देखा जाएगा तो भौतिक इच्छा रहते ही हमारा जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं ना, हम तो वो लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जैसे शुद्ध भक्त मतलब वो टॉप क्लास उत्तम श्रेणी। मैं अपने स्तर पर बता रहा हूँ तो इसमें बहुत सारे भक्त होंगे वरिष्ठ भक्त। मैं अपने स्तर पर मैं तुलना कर बताता हूँ तो हम वो साधना भक्ति करते हैं तो साधना भक्ति करते समय हमारे अंतर वो बहुत सारे भौतिक इच्छाएं होती है तो हम नहीं तो हम काम करने के लिए नहीं जाते होंगे। तो क्यों हम काम करने के लिए जाते हैं? तो हमको लक्ष्मी मिलना है, हमको भक्ति भी करना है, उसके साथ साथ भगवान हमको प्रोटेक्शन भी दें तो हमारा काम सही हो जाए, हमको जो लक्ष्मी हमको जो जितना मिलना है वो मिलते हैं। नहीं तो आप छोटा सा एग्जाम्पल बताया जाएगा तो किसी को बताएगा बता जाएगा आप काम के लिए दो जाए दो महीना आपको सैलरी कुछ भी नहीं मिलेगा तो ऐसा बताएगा तो कोई जाएंगे क्या? बहुत मुश्किल होगा। मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे अंदर भी आसक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु बता देते हैं और श्रील प्रभुपाद जी भी बता देते हैं तो हमारा भक्तिमय जीवन में वो आसक्ति नहीं होना चाहिए या डिसायर्स, वो डिसायर को कम कम करके लाना चाहिए। कैसे? वो अपने आप हो जाएगा। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदाहरति तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। तो हमारी वो भक्ति का जो तीव्रता हम कितने समय भक्ति के लिए देते हैं उसको हमेशा आगे करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारा जो भौतिक इच्छा धीरे धीरे कट जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु। ओके प्रभु, या थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, एक मिनट है तो मैं एक पॉइंट था इसमें एक वैष्णव गीत है तो उसमें एक सुंदर है दुर्लभ मानव जन्म लबिया संसारे कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब काहारे। तो उसमें एक सुंदर श्लोक है कुकुर शिघाल सब आनंदित हय महोत्सव करीबे अमार देह लय। मेरा शरीर स्मशान में पड़ा होगा तदा पक्षी एवं कीटे मकोटे उसका भक्षण कर आनंद प्राप्त कर सकेंगे। एक वैष्णव गीत का में भी उसका एक रेफरेंस हमको मिलता है। तो हमारा जो मृत्यु होने के बाद क्या है जो कीट मल या दूसरा कुछ बस ऐसा हो जाता है तो हमको वो व्यतीत नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच।
थैंक यू प्रभु, मैं वही सोच रहा था प्रभु, क्लास में ये जब उस पर्पट में लिखा हुआ तो मैं सोच रहा था ये भजन कब आएगा ये पॉइंट, और आखिर में आपने बता दिया, वेरी नाइस, थैंक यू। नहीं नहीं वो टाइम हो गया था ना इसलिए फिर। एनी और किसी के पास कोई प्रश्न है या कमेंट्स, प्लीज एक मिनट का समय है। हरे कृष्णा रत्नभूषण प्रभु जी, जनक प्रणाम। ओह यस प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया क्लास, बहुत सरलता से आपने हमें समझाया, और हमारे जो रजजनक प्रभु जी हैं वो आपकी हिंदी कंपेयर कर रहे हैं, उनकी भी हिंदी बहुत अच्छी है। मेरे से अच्छी है हिंदी। सरल हिंदी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू परमानंद प्रभु। थैंक यू। तो और कोई सवाल अगर नहीं है तो हम लोग प्रोग्राम को विराम करें। अरे प्रभु जी, सवाल कुछ नहीं है, प्रभु जी की थोड़ी सी क्लास के बारे में बोलना था। प्रभु जी ने बहुत जी मधुहर प्रभु जी बोली, बहुत ही सुंदर क्लास दिया और बहुत ही सुंदर हिंदी भी बोलते हैं प्रभु जी, लेकिन और उनकी विनम्रता जो है उनके पूरे क्लास में झलक रही थी शुरुआत से लेकर के समाप्ति तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इतना सुंदर प्रवचन सुनाने के लिए। हरे कृष्णा। आप सभी शुद्ध भक्तों के सहयोग से मैं भी थोड़ा बोल पाया। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु मधुहर। हरे कृष्ण। थैंक यू मधुहर प्रभु। और वापस से हम लोग रत्नभूषण प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत सुंदर उन्होंने क्लास दिया बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा, ताकि हम लोग भी इस एग्जाम्पल्स को याद रखें, अलग अलग हम लोग की जीवन में जो परिस्थिति हो तब ये जो अच्छे भक्त हैं जो उन्होंने चैतन्य चित्तामृत के द्वारा बताया उसको याद करें। हरे कृष्ण। तो सभी भक्त की अपने अपने स्थान में प्रभु को वैष्णव प्रणाम करें और प्रभु को धन्यवाद देंगे। वांछा कल्पतरु व्यच्छ कृपा सिंधु व्यच्छ पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हिंद। थैंक यू रत्नभूषण प्रभु, यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड प्रभु। हरे कृष्ण। तो प्रार्थना की ओर चलते हैं और कोई अनाउंसमेंट्स की ओर चलते हैं। परमान प्रभु, इज देयर एनी अनाउंसमेंट्स यू वांट टू मेक? हरे कृष्ण प्रभु जी, यू नीड टू प्रे उसके लिए, हमारे नंद किशोर प्रभु जी के लिए। नंद किशोर प्रभु की सुपुत्री के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और दो तीन दिन से बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना करें जल्दी से जल्द ठीक हो। हरे कृष्णा। और हमारे अमृत पद्मा देवीदासी माता जी ने कहा है प्रेयर्स फॉर हर मदर, उनके माता के लिए वो आज जो उनका एंजियोप्लास्टिक ऑपरेशन है तो उनके लिए प्रार्थना करें। और कोई प्रेयर्स, किसको माइक कन्म्यूट करके किसको कुछ बोलना है तो प्लीज अनम्यूट करें और उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हरे कृष्णा। जय पताका महाराज के लिए हम लोग प्रार्थना करें, इस्कॉन के गुरु वृंद के लिए हम लोग प्रार्थना करें, सभी भक्तों के लिए हम लोग प्रार्थना करें, और उपस्थित यहाँ पर हमारे सब जो प्रिय भक्तगण जो आए हैं नित्यम भागवत सेवा में, तो उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें। सबका सहस सबका स्वास्थ्य भक्ति में अच्छा रहे, आध्यात्मिक और भौतिक में भी उनका अच्छा रहे। और जाह्नवी माता जी का एक प्रेयर आया है अभी, प्रेयर्स फॉर माय सिस्टर आरती भम भवानी माता जी, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So, इसी से हम लोग प्रोग्राम को विराम देते हैं। आपका दिन बहुत शुभ रहे, मेरे लिए भी चंद्रकृष्ण प्रभु हमारे जबलाली के हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्होंने क्या लिखा है, मेरे लिए भी थोड़ा प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपका दिन शुभ रहे और भक्ति में भी बहुत सुंदर रहे आज का दिन। हरे कृष्णा। तो इसी से प्रोग्राम को हम लोग विराम देते हैं। रत्नभूषण प्रभु आपकी आज्ञा लेकर, परमान प्रभु की आज्ञा लेकर, सभी भक्तों की आज्ञा लेकर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
कल भी जुड़िएगा, कल भी बड़ी अच्छी हिंदी में क्लास होगी हमारे जी के द्वारा।